में 100 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं और 100 सीटों का आंकड़ा आपके सामने है। 57 पर बीजेपी, 43 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर यहां बीएसपी, कांग्रेस पार्टी ने खाता नहीं खोला। 58 बीजेपी, 43 समाजवादी पार्टी। सीधे जफर इस्लाम साहब आपके पास आते हुए, हालांकि 58 पहुंच गई है बीजेपी, लेकिन 43 के साथ साइकिल भी दौड़ लगाती हुई, बाइसिकल भी आगे बढ़ती हुई, 100 की ओर 43 हो गया। उत्तर प्रदेश में 105 के रुझान सामने आए हैं और इन रुझानों में फिलहाल नंबर वन पार्टी बीजेपी अभी तक बनी हुई है। जफर इस्लाम साहब, देखिए चित्रा जी, मैंने आपके टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है 59 हमारी सीटें हैं 43 एसपी के, एक अच्छी बढ़त है यहाँ पर, शुरुआती रुझान है। और लेकिन जब जैसे जैसे वोटों की गिनती बढ़ेगी, आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी सिग्निफिकेंट लीड के साथ बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास है। और उत्तर प्रदेश में हमें जितने भी संकेत आए हैं, चाहे वो अपने पार्टी के अपना जो मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म उसके, या फिर जो एजेंसीज के हैं, या फिर हमने जो सर्वे कराए हैं, सब सर्वे में एक ही चीज आती है, किसी ने सर्वे ने भी हमें 250 से कम नहीं दिखाया है। और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, उम्मीद है कि जो हमने सर्वे एक्सटर्नल, जैसे 215 हमारे एक्सटर्नल सर्वे में, हम नहीं, एक्सटर्नल सर्वे में और इंटरनल सर्वे में मैंने कहा 250 से कम तो कहीं है ही नहीं, ये हम 300 के आसपास रहेंगे, ऐसा हमने 400 से शुरू किए थे। लेकिन एग्जिट पोल के, अब खास तौर पर एक्सिस माई इंडिया का, तो बीजेपी वालों को भी भरोसा नहीं हो रहा, क्यों? देखिए अन्ना जी, आप 10 में 10 एग्जिट पोल उठाइए, इंडिया टीवी ने 180-220 दिया, उसके दूसरे दूसरा भी कराया तो उनको 247 से कम किसी ने नहीं। आ रही हूँ, आप हमारा ये एग्जिट पोल पर चर्चा कीजिए और आज तक ही देखिए, सही आंकड़े विश्वसनीय यही दिखेंगे। वो और लोग होंगे जो बढ़ा देते हैं मीटर सीधा, बाद में ऊपर नीचे करते हैं, तो आज तक देखिए और आज तक पर ही बात कीजिए। साधना भारती, 13 कांग्रेस, 10 बीजेपी, उत्तराखंड, पंजाब, 20 आम आदमी पार्टी, 13 कांग्रेस, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश जहां प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत झोंकी, वहां 0 कांग्रेस। अभी शुरुआती रुझान है, मुझे भी पता है, लेकिन आपका इनसाइट इस पर। इस बार देखिए, हम सबसे पहली बात तो 30 साल बाद हम 400 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टी हम बिना किसी अलायंस के साथ हम लोग सड़कों पर भी थे, और मैंने कहा ना, हम 2 साल पहले से लोगों के साथ लोगों की आवाज उठा रहे थे। दूसरी बात, ये समय सही कहा आपने, बहुत जल्दबाजी, और आपके जो मेहमान स्टूडियो में बैठे हैं आज तक पर लगातार वो भी कह रहे हैं कि बहुत शुरुआती है, शाम को 4 बजे तक कुछ पिक्चर क्लियर हो पाएगी। अच्छा लग रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, देखिए अच्छा तो हमें तब लगेगा जब पूरे रुझान आ जाएंगे। अभी हार का लड्डू, हार का ठीकरा फोड़ना और जीत का लड्डू खा लेने में बड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। मैंने कहा ना, हार से पहले हार और जीत से पहले जीत नहीं माननी चाहिए, तो वही मेरा अभी भी स्टैंड वही है। और हम लोगों ने मेहनत की और जो आधारित जनता के आधारित मुद्दे पे बीजेपी 65 पर आगे बीएसपी जल्दी से त्रिवेदी जी, पिछले समाजवादी पार्टी को जितनी 47 सीटें मिली थी वो रुझान में 47 पर पहुंच गए, 47 से आगे बढ़ गई है, आगे बढ़ गई है। खान साहब, बीएसपी 2 पर फासला देखिए, फासला एक ट्रेंड दिखता है सर, एक ट्रेंड तो दिखता है। ये खान साहब 65-48 और 2 यूपी में, बैलेट पेपर है ये, वो ईवीएम मशीन खुलने दीजिए, और फिर वो अभी बहुत टाइम है, इतने जल्दी हम फैसला नहीं कर सकते हैं। कितने देर का इंतजार करेंगे एमएस खान साहब, कितने देर के इंतजार के बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या हाल है आपका? देखिए इंतजार भाई, जो सिस्टम है उसका इंतजार करिए ना। हाँ। सिस्टम ये कहता है कि दोपहर के बाद 3-4 बजे कुछ रुझान क्लियर होंगे। अरे तो कितना बड़ा कमाल कर लीजिएगा, 65 पर बीजेपी और 48 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीएसपी, कितना कमाल। बैलेट पेपर है भाई, मैडम बैलेट पेपर है ये। अच्छा, ये बैलेट पेपर है, ईवीएम थोड़ा ही खुला है। समझ में आ गया कि अभी आप पूरे दिन इंतजार करने वाले हैं और उसके बाद ही आपको, हम पूरा दिन आपके साथ, आप कहिएगा तो पूरा दिन बैठे रहेंगे। ठीक है, आप बैठे रहिएगा तो पूरा दिन इंतजार रहेगा कि 4 बार तक मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती की पार्टी का इस बार ऐसा हाल क्यों है और कौन है इसके लिए जिम्मेदार।